ये गाजीपुर में जन्माष्टमी का जश्न है जनाब। शबाब के साथ तमंचे पर डिस्को चल रहा है, बैकग्राउंड में सुपरहिट भोजपुरी गाना भी बज रहा है। केशव भी कहीं बैठकर कह रहे होंगे कि हाय ये कैसी जन्माष्टमी, सोच रहे होंगे कि गीता के भरोसे जिस देश को छोड़कर आए थे वो तमंचे पर डिस्को का दीवाना कब से हो गया। बात इतने पर ही खत्म हो जाती तो समझते गनीमत है, लेकिन ऐसे किसी कार्यक्रम का जो अंत होना होता है गाजीपुर के बहरियाबाद थाना क्षेत्र में वैसा ही हुआ। दरअसल यहां के हाजीपुर गांव में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए बकायदा टेंट लगाकर पूजा पंडाल बनाया गया था। इसी में जोशीले जवानों ने डांस का कार्यक्रम भी आयोजित करा लिया। अब इस युवक पर डांस का जोश था या किसी और चीज का, ये तो कान्हा ही बताएंगे, लेकिन जनता ने तो यही देखा कि हाथों में तमंचा था और कमरिया लहरा रही थी। अब वहां मौजूद कुछ लोगों ने देर रात युवक का ये जोश रास नहीं आ रहा था। कुछ युवक और स्टेज पर चढ़े, तमंचे वाले जोशीले जवान को रोकने की कोशिश हुई, फिर क्या था, कान्हा के जन्मदिन पर आयोजित हुआ उत्सव महाभारत में बदल गया। दोनों पक्षों में हो हल्ले के बीच मारपीट व पथराव शुरू हो गया। ऐसा पथराव हुआ कि पूजा पंडाल के साथ पास ही मैजिक और एग रोल का ठेला भी क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों पक्षों में हो हल्ला के बीच मारपीट व पथराव शुरू हो गया। ऐसा पथरा हुआ कि पूजा पंडाल के साथ पास ही मैजिक और एग रोल का ठेला भी क्षतिग्रस्त हो गया। थाना प्रभारी निरीक्षक राम निवास ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। 24 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई की गई है। 6-7 के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई भी की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही तमंचा भी बरामद कर लिया जाएगा। क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।